आप सब एनपीएस के बारे में तो जानते होंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोगों हमारे गवर्नमेंट ऑफ तो आप सब एनपीएस के बारे में तो जानते होंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम दोस्तों, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के लोगों में इन्वेस्टमेंट के प्रति अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए जो एक स्कीम चलाई गई थी, नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम। तो आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादाजी होंगे, नानी जी होंगी, तो आपको पता होगा कि उनकी जो है एक मंथली पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जो उनसे भी आपकी स्टेट है। मैं यहाँ हरियाणा स्टेट में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारी 2200 रुपये जो पेंशन्स बुजुर्गों को मिलती है, जो 60 ईयर्स के हो जाते हैं उनकी गवर्नमेंट पेंशन बन जाती है। बट दोस्तों आपको पता है कि आने वाले टाइम में 2200-2000 रुपये की वैल्यू अभी नहीं है, कुछ और बाद में क्या रहेगी। तो एक स्कीम है दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम, जिसमें आप थोड़े से थोड़ा मिनिमम 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करके एक अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट जो है तैयार कर सकते हैं। अपनी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में दोस्तों काम करते हैं, आप मजदूर हैं, कुछ भी हैं, तो 1000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप 60 ईयर के बाद आपका अगर कोई सहारा नहीं है, तो आप जो है नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो काफ़ी अच्छा जो तरीका है नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके जो आपको मिलता है, कई फ़ायदे हैं दोस्तों। आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट मिलती है, वेल्थ क्रिएट होने के साथ साथ आपको पैसे, मतलब कि आपकी जो रिटायरमेंट पेंशन भी एक आपकी 60 इयर्स की एज के बाद मिल जाती है। तो आप जनरली बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ भी आपसे पूछा जाता होगा कि आप अपनी मंथली 200 रुपये 300 रुपये जो है नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आफ्टर 60 ईयर जो है आपको इतनी पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम है और क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और किन किन म्यूचुअल फंड कंपनीज के हाउसेज में स्कीम्स में जो है नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तेज शर्मा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में जो है आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एक तो अगर आप किसी कंपनी के मेनली उस स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप वहीं पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो कई म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर करती हैं, जैसे कि पेटीएम मनी ने भी हाल फिलहाल में ही जो लॉन्च किया है एक रेगुलेटरी से, जो जैसे कि हर एक म्यूचुअल फंड हाउस की एमपी रेगुलेटरी है, सेबी रेगुलेटरी है, इंश्योरेंस की आईआरडी है, तो ठीक उसी प्रकार जो पेंशन को रेगुलेट करता है वो है पीएफआरडीए, पेंशन रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी तरफ से जो अथॉरिटी मिल गई है पेटीएम मनी को कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट पेटीएम मनी के जरिए एनपीएस सिस्टम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनपीएस सिस्टम स्कीम्स में, कहीं भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अब जो है आप इनमें दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, एक तो है टैक्स सेविंग और दूसरा है एनी टाइम विदड्रा। अब देखिए, टैक्स सेविंग का बेनिफिट आपको दोनों में होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C, बट जो टैक्स सेविंग है विदाउट एनी टाइम विदड्रा जो नहीं है, जिसमें कि लॉक इन पीरियड है, उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा जो है 50,000 का जो है आपको ऑफर मिल जाता है कि आपकी एक्स्ट्रा 50,000 पर जो इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम होती है, उस पर आपको 50,000 का टैक्स बचाने की छूट मिल जाती है। तो एक है अबाउट दी टैक्स सेविंग और एक है एनी टाइम विदड्रा। तो बात करते हैं टैक्स सेविंग के बारे में। देखिए दोस्तों, टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जो आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे हर एक म्यूचुअल फंड का किसी का 1.2 किसी का 2.2% होता है, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.01% है, जो फंड की स्कीम्स को मैनेज करने में आपकी इन्वेस्टमेंट में से लिया जाता है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और जो है आपको 60 ईयर्स के बाद दोस्तों आपकी एक अच्छी खासी जो है आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट 60 पीरियड के लिए लॉक हो 60 साल तक के लिए लॉक हो जाती है। जब आप 60 साल के होंगे तो आपको वो स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं जो मिलने लग जाते हैं दोस्तों, अप टू 80 ईयर्स। देखिए, स्कीम जो आपकी पूरी हुई 60 साल के बाद आपको जो पेंशन मिलने लग जाती है, और 80 साल तक की उम्र में आपकी 80 साल मतलब कि मैच्योरिटी के बाद 20 साल तक आपको जो है पेंशन जो स्कीम में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली, तो 60 साल में वो कितने पैसे बनते हैं, सॉरी अगर आप 20 साल के हैं तो 40 साल के बाद वो पैसे कितने बनते हैं, और उसकी जो रिटर्न्स हैं वो कितनी बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो आपको अमाउंट मिलेगा, और ऐसे में बाई चांस अगर
अगर आपकी डेथ हो जाती है अबाउट 60 ईयर्स आफ्टर 60 ईयर्स और 60 ईयर्स से पहले, तो जो आपके नॉमिनी होंगे आपको वो पैसे उनको मिल जाएंगे। और आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, जब आप 60 आपका 60th बर्थडे होगा, आपको उस टाइम पर आप जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, आप एकदम से जो है अपनी 60% जो आपकी उसमें सेविंग हुई होगी नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, आप उसको जो है निकाल सकते हैं एंड एट अ टाइम पे, जब आपकी जो मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, तो आप जो है 60% आपका कॉर्पस है जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको रिडीम कर सकते हैं, और बाकी का जो 40% है वो आपको पेंशन के सिस्टम से आपको मिलता रहेगा मंथली। तो इसमें आपको लॉक इन पीरियड है, अगर आपने कितनी बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका दोस्तों 60 साल के बाद ही है जो आप इसमें से एग्जिट कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ है एनी टाइम विदड्रा। तो देखिए एनी टाइम विदड्रा दोस्तों, अब मान लेते हैं आपको पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और आपको स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो सेम है 0.01% है, बट यहाँ पर जो है आपको एग्जिट टैक्स लगेगा, एग्जिट लोड किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, टैक्स लोड लगेगा आपको 15% अगर आप एक साल से पहले पहले इसमें से रिडीम करते हैं, और एक साल के बाद अगर आप पैसे इसमें से निकालते हैं तो आपको 10% का जो है टैक्स लगेगा। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है टैक्स सेविंग वाली स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि लॉक इन पीरियड है 60 साल तक आपके, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाएंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक इन रहेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप उसमें एनी टाइम विड्रा स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जब भी आपको पैसों की नीड होगी तो आप कहेंगे कि भाई इसमें से निकालो और यूज़ करो। तो ऐसे में अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉक इन पीरियड में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जो है एक आपका जो डेस्टिनेशन है आपको एंड टाइम पर 60 साल के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, जो पहला है आपको टैक्स सेविंग मिलता है, आप अप टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप जो है 50,000 रुपये तक टैक्स सेव कर सकते हैं और सेव अपना टैक्स कर सकते हैं। और टैक्स सेविंग स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉक इन पीरियड में, तो आपको जो है आपकी टैक्सेबल इनकम है 50,000 रुपये तक, वहाँ पर भी आपको जो है टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप 2,00,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो है आपको दोस्तों स्कीम्स में मार्केट की स्कीम्स है जो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। देखिए जब आप किसी नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो मनी है इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी, डेट, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो इशू करते हैं, और अल्टरनेटिव फंड्स हैं जो उसमें भी आपको सारे कहीं आपकी जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जहाँ पर है आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न्स भी आपको अच्छी मिलती हैं। तो गवर्नमेंट पर सब यकीन करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लो रिस्क होता है, इक्विटी जो स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर हमें अच्छी रिटर्न्स लाने में मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑप्शंस भी मिलेंगे कि आप आपकी एज के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो आप एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर हैं, मॉडरेटली हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो वहाँ पर जो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से जो है आपकी किस एसेट्स में, इक्विटी में, डेट में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं कि आपको एग्रेसिव, मॉडरेटली और कंजर्वेटिवली किस में इन्वेस्टमेंट करना है। और जो है दोस्तों रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो आपका होता रहता है, एक साल के अंदर आपका हर साल में रीबैलेंस पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो की चेकिंग होती है आपकी एज के अकॉर्डिंग। अब मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया 20 साल में, तो जब आप 21 साल के हुए आपका जो है आपकी जो रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि जब तक 30 साल के आप नहीं हो जाते तो आप जो है रिस्क हाई ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है पैसे कमाने की तब तक, क्योंकि अगर आप 30 साल के बाद हाई रिस्क लेते हैं और अगर आपके पास अच्छी इनकम है फिर तो आप चाहे हाई लीजिए चाहे कम लीजिए वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप 30 साल के बाद एक लो रिस्क ही लें मैं आपको बताता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार जो आप जब 30 साल के हो जाएंगे तो हर साल जो आपका बैलेंस रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को किया जाएगा कि इक्विटी में से निकालकर डेट सिक्योरिटीज में पैसा निकाल लाया जाएगा और डेट में से निकालकर इक्विटीज में लाया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आपको कहीं पर भी आपकी पोर्टफोलियो को हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विटी में बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और आप जो चौथा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर को चूज़
इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो फंड मैनेजर हैं, फेवरेट फंड मैनेजर हैं, जो जो नेशनल पेंशन सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, तो उन फंड को मैनेजर्स को जो भी आपके फेवरेट है या अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, रिटर्न्स और एजुकेशन के हिसाब से जो है आप उनको चूज़ कर सकते हैं कि ये हमारी स्कीम को मैनेज करें, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं आपको कुछ फंड्स के नाम बता देता हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज के नाम बताता हूँ, जहाँ पर जिनकी स्कीम्स में आप नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आदित्य बिरला GTFC पेंशन सिस्टम स्कीम, SBI, UTI, और भी काफ़ी प्रकार के जो स्कीम्स हैं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा अपना रिस्क चेक कर लेना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको किस प्रकार के टायर में इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स सेविंग बेनिफिट में या फिर विदड्रा एनी टाइम पे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी से छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाल लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको दोस्तों क्या बेनिफिट होने वाला है वो मुझे ही पता है। देखिए, जो अगर आपको पता है कि जो मार्केट है, इक्विटी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लॉन्ग पीरियड के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें प्रॉफिटेबल ही होता है। तो जितनी जल्दी आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी है जो आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आपको कोई भी धक्का नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ करते रहिए, वहाँ पर भी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, विदड्रॉल प्लान होते हैं, जहाँ पर आप अपनी मंथली जो है निकाल सकते हैं, किसी और स्कीम्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।